दिनकु दिन टाटा पावर मनमानी और खामखियाली नीति पर जाउछे साधारण लोकों जीवन घर छात उपरे 33 केवी विद्युत तार भयरे कटुची जीवन और अभियोग पर मिलूनी सुफल वर्षक भितर मासघाई अंचल विद्युत आघात छह जन मृत्यु घटा पर भी टाटा पावर कर्मचारी सजग न होगा मासघाई अंचल चर्चार विषय पलटि दीर्घ 40 वर्ष हेबो भयरे कटुची जीवन बारंबार गुहारी करी करी थकी जीवा सत्वे विद्युत विभाग निद भांगुनी आमे कहूँ केन्द्रापड़ा जिला मार्साघाई ब्लक पुरुषोत्तमपुर गाँव कथा 1983 मसीह विद्युत संजोगीकरण 33 केवी तार नवरकान स्टकर मार्साघाई क्रसिंग को संजोग करा जायथिला सही समय रे पुरुषोत्तमपुर ग्रामर देवव्रत लेंका घर छात उपर तार जीवारु से विरोध करथिले देवव्रत विरोध पर शीघ्र तार से जगार उठा जाए अन्य जगह को स्थानांतरित करा विद्युत विभाग पक्षर प्रतिश्रुति दि जाइला मात्र विडम्बनार विषय आज को 40 वर्ष बीती जाते तार न उठवर नानादि असुविधार सम्मुखीन होती दुई पर 40 वर्ष तले छातटारू तार उच्चता 20 फुट थी बेले बर्तमान मात्र 5-6 फुट व्यवधान में तारटी छात उपर झुली रही खाली से नुहे 4-4 थर 33 के भी तार छिड़ी घर उपर पड़े विभाग निद भांगुनि एने बारंबार अभियोग कर देवव्रत और पर खुंटी पकईवा को मना करूँ से कहले आम खुंटीटा ए पकई जाऊ आउ परे आमे सिफ्ट करनबू ये करू ये बारंबार कहवा सत्वे से मैंने कौन सी कथा कर्णगोचर करूना तेणु आमे आसी बुढ़ा हेलु तेणु आम पाने रहा भारी भय कर आमे भी बसवास करने को भारी भय कर लाइन जाए घर बाड़ी उपर आउ गछ बुर्छ करंट मारुछि गछ लागि पड़ी जाउछि करंट खाइकि आउ वर्षा हेले करंट मारुछि केतळ घरे अधिकै न रहउछनि मते एकुटिया डर मारुछि मु पळउछि अन्य घर को पळउछि कोन पाई भय नगुछि काले कोटी घर उपर पड़ी जो करंट मारियो मते उद्धार किए करियो घरे तो केहि नहाति पुनी उद्धार किए करियो वर्षा राति आसले जेमति दुख माडी आसे देवव्रत तांको परिवार को केवल वर्षा नुहे पवन गछरे तार झुली लगिया फल गुड़िक पोड़ जा सहित तो गाई गोरु गछरे लगि मृत्युवरण करिपिझिपि वर्षार ओदा हो पड़ोसी घर को जाती पर सदस्य टिके वर्षा हेले घर चार्ज होगा सह घर इलेक्ट्रिक सामग्री पोड़ नष्ट बारंबार तार छिड़ी घर उपर पड़ा फल भयर रोचान पर लोक ए विषय बारंबार अभियोग कले अभोग को कई कर्णपात करूना एक मास मध्यरे यार समाधान करा न गले टाटा पावर ऑफिस सम्मुखर धारणा देवार चेतावनी देइछन्ती पड़ोसी तेबे एने मासाघाई डिविजन टाटा पावर मैनेजर को अवगत करथिलु मात्र से कैमरा आगे मुह खोली नथिले लाइनटा गला माने आमर सब विपद घर प्रति जत आमर दिन से जाउछि इलेक्ट्रिक सामग्री से सब नष्ट होउछि हाई वोल्टेज जत होउछि त जति नबा कथा नबा जति अधिक वोल्टेज रहला गला घडघडी सब से एकत्र जाउछि एकत्र ढोढा कर फुटुछि असुविधा होती गोरु गाई प्राय सब पाख बिल रही गोरु गाई मनीष सब जातायत से जो करंट मार मटी तेज गोरु गुरा चोरुँ गचरे निगुच जो तार लगुच तार लगे गच निल करंट भी चार्ज हो गए विद्युत विभाग अवहेला जो सढ़ुंट साधारण जनता 40 वर्ष धरी विद्युत तार छात उपर जा बेले बारंबार अभियोग कले समस्या समाधान हो केबे प्रशासन एथिप्रति दृष्टि देव एवं ए समस्या समाधान हब ताहा देखिबा को बाकी रहिला मार्साघाईरु हिमांशु शेखर नायक एमबीसी न्यूज आलोचना करबा पई आम सहित सीधा सळक जुड़े होइछन्ते मार्साघाई प्रतिनिधि हिमांशु शेखर नायक हिमांशु आमे जे भाबरे देखिले पूरा घटना के जो बारंबार गुहारी करा जाउछ टाटा पावर को 40 वर्ष रे ये समस्या किंतु समाधान हि पाउनने के कर्णपात मध्य करूना टाटा पावर कर्मचारी माने एवं समान कहितले कि किछि दिन परे से माने सेठू खुंटेडी उठाई देबे किंतु ए पर्यंत ताहा कार्यकारी हला नाही एवं ता फळ रे मध्य जे देखिबा कि 6 जणंकर जीवन बितिजि चलित वर्ष कि ए सब घटना से माने कोन करूछंती वर्तमान टाटा पावर अधिकारी माने कोन करूछंती ये कर्णपात काहे के करूनांती जीवन जाउछे एवं से माने भय रे रहूछंती जो दुईटी परिवार अछन से माने भय रे रहूछंती एवं पड़ोसी के घरे आश्रय नेउछंती वर्षा पवन हेले हिमांशु जहाँ घर उपर 33 केवी रार जा विशेषकर ये जो 40 वर्ष पूर्व जिते से घर उपर से बाड़ी एवं घर उपर दे कि तार नबार व्यवस्था विद्युत विभाग कला एवं से ताकु विरोध करते तार जो कर्मचारी थे से विद्युत विभाग कर्मचारी मैंने खूब शीघ्र यार स्थानांतर कर
ଏହା କହିବା ପରେ ଏବଂ ଦେବବ୍ରତ ଲେଙ୍କା ତାକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧରୁ ରହିଯାଇଥିଲେ ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ତାରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ଟାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ପାୱାର ଆସିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଦେଇଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେବବ୍ରତ ଲେଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାରଟା ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଘରଠୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଲମ୍ବି ଆଉ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲାଣି, ଯୋଉଟାକି 5 ଫୁଟରୁ 6 ଫୁଟ ଭିତରେ ତାର ରହିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡା ବାଡି ବଗିଚାରେ ହେଇଥିବା ପଣସ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ବା କଦଳୀ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ଯେତେ କମ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଗଛର ପତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଡି ଯାଇଛି ତାର ଲାଗି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହଉଛି ଏବଂ ଏ 33 KV ଯୋଉ ପାୱାରଫୁଲ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଗଛ ପୋଡିଯିବା ସହିତ ସବୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛର ପତ୍ର ପବନ ହଉଛି ବାଜୁଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ବାଣ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଏବଂ ଘରର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ବା ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚ ଗୁଡିକ ଅଛି ସବୁ ପୋଡି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଛାଡିକି ପଡିଶା ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଗାଈ ଛେଳି ଏ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଗାଈ ଛେଳି ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛରେ ଚାର୍ଜ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଚରିବାକୁ ଗାଈ ମାନେ ଚରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଛେଳି ମାନେ ଚରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗଛରେ ଲାଗିକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଦେବବ୍ରତ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ ସଂସ୍ଥା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ବିଗତ ଦିନରେ ବା ବିଗତ ବର୍ଷରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମାଟାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତରେ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଘଟଣରେ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ଏ ଘଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଯେହେତୁ 33 KV ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ପାୱାରଫୁଲ କରେଣ୍ଟ ଯଦି ପାଖ ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ତ ରହିବା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି SDO ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ବା ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର, ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସମାଧାନ ହଉନି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦେବବ୍ରତ ଲେଙ୍କା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଏ ନେଇ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କାହା କାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମତାମତ କଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ NSTV ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା, କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯାଇଛି ଛାତ ଉପରେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏବଂ ସେତେବେଳେ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ? ଆଜ୍ଞା, 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସେ ଖୁଣ୍ଟି ପକଉଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏ ଖୁଣ୍ଟି ଉଠେଇଦବୁ, ଆଉ ତମର କିଛି ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ପକେଇ ଦଉଛୁ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଉଠେଇଦବୁ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠେଇବେ କ'ଣ, ଆଉ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। 5-6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଅଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଣିଷ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ବି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ହୁଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ହିଁ ଦାୟୀ। ତ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଥର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଇଏ ଦେଇଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ, ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଦଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କତିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ସିଏ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ତାର ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାର ସେ ଚେଞ୍ଜ କଲେନି, ଇଏ କଲେନି। ଆଉ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ପର ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, କଦଳୀ ଗଛ କେତେ ଉଠୁ ଗଛ କଦଳୀ ଗଛ ତା ଦେହରେ ବି ଜଳିକିରି ମାନେ ସେ ଢୋଢା ହେଇ ଫୁଟୁଛି, ଇଏ କରୁଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ବାତାଜି ଗଛ ସବୁ ଗଛ ପୋଡ଼ି ଜଳିଗଲା ହିଁ କଲାଣି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆର କିଛି ସୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି,
खाली कहते देखा 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 आदि कौन सी क्षति हुए संपूर्ण दायी इलेक्ट्रिक वाला ही दायी संपूर्ण विद्युत विभाग को दायी करे देवव्रत लेंका किंतु कहिबा गले विभाग विभागीय अधिकारी माने कहा को अपेक्षा करिसेंती जदि आमे देखिबा गत वर्ष बा किछि बा स्थले 6 जनकर जीवन हानि विद्युत विभाग रो नेग्लिजेंसी जोगु हेइछि विभाग रो अपारगता पई हेइछि विभिन्न कारण रो हो किंतु विद्युत विभाग कोन वास्तव रे आउ एक मृत्यु को बा स्वागत करूछि कि तेणु आउ गोटे अघटन को स्वागत करुचि कि विभाग तेणु कह गले बारंबार अवगत कला परे जो विभाग अधिकारी माने अछंति विद्युत विभाग कर्मचारी माने अछंति जहा जहा रो नेतृत्व रे विभाग बंटन रो विद्युत बंटन रो व्यवस्था दिया जाइछि से एते कोन पई एते मनमानी चलैछंति किंतु जो मनमानी अनेक क्षेत्र रे अनेक मानकर जीवन हानि घटुचि वास्तव रे मास्टाघाई अंचल कहिले समस्ते जानी विभाग विद्युत विभाग अपारगता जो माने छटी मूल्यवान जीवन हानि घटी पुणी एक जीवन हानि दुर्घटना को जमती विभाग अपेक्षा कर रही तेणु बारंबार कहला परे एने बारंबार अवगत कराला कौन सी सुफल मिलूनी आज पर्यंत तेणु आम पाखे आउ जन पड़ोशी अच्छा देवव्रत पड़ोशी अच्छा जे कि बारंबार ये दुर्घटना को देखुं बारंबार ये गच्छ पत्र कि भाव में पोड़ जाए देखुं एने आम पचार से जो जिते गच्छ पत्र पोड़ जाए विद्युत चार्ज हो जाए एवं भयंकर परिस्थित ये सृष्टि है तेणु आपन केमती देखुं आम सब देखु मानने खाली ए जगार नुह गाँव समस्त जो रास्ता रे आमर गछ वृत जाई जो गछ अछि ता तळे जो आमर ए सब तार जो सब जाई कि आमर जो इलेक्ट्रिक रो आमर जो कर्मचारी माने बि अछन आमे तांकु भी बहुत सर भी आमे कहि जु जे एगुडा सब सफा करा जाउ के भी कर्णपात करिनाती आज पर्यंत आमे भी एथि भी देखु जु माने गोटे लोक बहुत दिन हेलाणी आछि 40 वर्ष हेलाणी आछि रहि आछि तार भी जो तांकर जो समस्या रहिछि तांकर घर ऊपर जो तारटा जाईछि सी भी बहुत समस्या सम्मुखीन है बहुत थर भी जाकि आमर इलेक्ट्रिक आम कर्मचारी मान को भी कहले कि कौन सी कथा को गुरुत्व दौना आम से कर्मचारी मान को अनुरोध करमर जो घर पाखे गछ अच्छी से गुड़ा सफा करा जाऊ जो तार गुड़ा से गछ तले जा जो विद्युत तार का सका बर्षा पवन हेले भी सी भी आमर विद्युत रे जो आकाशा हूँ तार को तार कनेक्शन इलेक्ट्रिक जो आम करेन्टा तले लगुच पाने जावासिया करुड़ा उपर से गुरुत्व दिए अच्छा केवल यही उपर गुरुत्व दौना ना जो मासिक जो आदाय करा जाउछि फी आदाय करा जाउछि सेटा के दूर आदाय करा जाउछि एवं केते यथार्थता मध्य रही सेतरे ठीक आदाय करा जाउछि ना अधिक परिमाण रे आदाय करा जाय नै अधिक परिमाण रे आदाय करा होउछि किंतु जो माने गरीब गुरुवा अछन्ति से माने त जति कि से मानकर बिल आसुछि से ताठु बहुत अधिक आसुछि किंतु से आसीबा फले रे जो गरीबटा जो 500 टका भी रोजगार करूची से भी तो मासुको जदि 1000 टका हबो से तो देई परिवनी किंतु ता प्रति भी तांकर गुरुत्व दवा दरकार नै विद्युत विभाग जो बिल आदाय ऊपर बेसी फोकस करूची ना सुरक्षा लोकमानक सुरक्षा ऊपर बेसी फोकस करूची विद्युत विभाग तांकर हमर जो बिल ऊपर बेसी गुरुत्व दउछन विशेष करी कहिबा गले जो स्थानीय लोक माने जो अभियोग करुचंती एवं विद्युत विभाग रो जो तार जाईची से तार रे केते सुरक्षित लोक रहिबे ता विषय रे अधिक गुरुत्व दिया जाउ नाही बरम मीटर परे मीटर चेंज करा जाउची केते अधिक बिल उठिबो से नै मध्य जो टाटा पावर रो मनमानी चलीची एवं किभली भाबरे अधिक बिल उठिबो एवं बिल आदाय करा जिवो साधारण लोक विभिन्न आड़े आल देखा कि बारंबार मीटर चेंज करने आरंभ कर जिते प्रकार अच्छी समस्या ताकि लग रही कि भाव में आज दिन में गोटे साधारण लोक विद्युत विभाग हिमांशु दीर्घ 40 वर्ष धरी जो समस्या लगी रही है
जे 33 केवि तार छात ऊपर दे जाय छे देवव्रत लेंका को छात ऊपर दे जाय छे एवं सेतबले जे विध विभाग रे थिले से माने कहितले के खुंटी उठाई देबे एवं आज 40 वर्ष धरे बीती गला किंतु से समस्या रो समाधान नै पाल्ला नै एवं से माने भय रे दिन काटुछंती केवल से माने बिल आदाय करबारे फोकस करुछंती किंतु लोकन को सुरक्षा देखुनांती एवं से केवल जो पड़ोसी जहां प्रतिक्रिया रखुतले केवल देवव्रत लेंका को घर न होय बीती तांको गांर अनेक लोकन को घर एमती जाय छे तार तार जाय छे एवं लोकन को विपद भितरे विद्युत विभाग लोक विपद भितर छाड़ी दौछे एवं कौन से सुरक्षा को आख्या कर रखी कि भाव में लोक सुरक्षा करा जाई पारिबो एवं लोक माने सुरक्षा रही पारिबे सुरक्षित भाव रही पारिबे एवं 33 केवी जो तार जाउछे घर ऊपर दे ता केमती से माने सुरक्षित रखी पारिबे एवं लोक माने सुरक्षा लोकों को सुरक्षा को आगे दृष्टि रखिके से माने सब पदक्षेप नहीं पारिबे ता मध्ये से माने करुनांती एवं पूरा गोटे टाइप रो निदा विष्णु भाई साजी की बसी छनते बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु आपन का तमाम आलोचना पाए समस्त सहिछे आज रो ओडिसा विकास रे पक्ष पक्ष को एट रुकुछु नमस्कार।